हेलो फ्रेंड्स, आज ये एक हम आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का मैथ के टॉपिक्स का। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक स्लाइड इंसर्ट करी जिसमें अरुणाचल प्रदेश की इमेज इंसर्ट करी है। सेकंड में भी हमने अरुणाचल प्रदेश की इमेज इंसर्ट करी है और एनिमेशंस की मदद से हमने इसमें इफेक्ट शो करे हैं। जैसे मैंने इसमें यहाँ पर स्प्लिट इफेक्ट दिया है, राइट। सेकेंड इमेज में भी ऐसे सेलेक्ट करके इफेक्ट दिया है, ऐसे एवरी स्लाइड्स में दिया है। थर्ड स्लाइड्स में हमने अरुणाचल प्रदेश की एक हेडिंग लिखी है और थ्री इमेजेस को लगाया है। एवरी इमेज को और एवरी टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करके एनिमेशंस की मदद से इफेक्ट्स दिए हैं जिससे कि वो थोड़ा हमारा अट्रैक्टिव लगे। इस तरीके से यहाँ से ऐसे इस इमेज को सिलेक्ट करके मैंने जूम का इफेक्ट दिया है कि हमारी इमेज इस तरीके से शो हो, ठीक है। जो सी इमेज को हम सिलेक्ट करके इफेक्ट देंगे उसी इमेज में वो इफेक्ट्स शो करेगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने अरुणाचल प्रदेश की एक हेडिंग लिखी है, उसके बारे में थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखा है जिसको मैंने फॉर्मेटिंग का फंक्शन यूज किया है। ये देखिए, फॉर्मेट में जाके हम यहाँ से फॉन्ट का साइज, कलर, यहाँ से हम कलर दे सकते हैं, यहाँ से हम साइज दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड्स हमने पॉपुलेशन के बनाई है क्योंकि हम मैथ का टॉपिक बना रहे हैं। पॉपुलेशंस के बारे में लिखा है यहाँ पर और पॉपुलेशंस की एक इमेज ऐड की है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड्स में हमने टेबल फंक्शन का यूज किया। टेबल फंक्शन का यूज हमने कैसे किया है, इंसर्ट में जबकि जैसे हमने यहाँ से ये टाइटल स्लाइड ले ली है, राइट। टाइटल स्लाइड्स में हमने यहाँ पर लिख दिया है पॉपुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम टेबल्स ऐड करना चाहते हैं क्यों, इस पॉपुलेशन को जैसे मैंने आपको पहले बताया था हम फॉर्मेटिंग का फंक्शन यूज कर सकते हैं कि हम यहाँ से बोर्ड दे दें, अंडरलाइन दे दें और ये देखिए, और यहाँ से हम सेंटर दे दें। नेक्स्ट हम इसमें क्योंकि टेबल ऐड करना चाहते हैं, हम इंसर्ट में जाके टेबल फंक्शन की मदद से इस तरीके से टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम ईयर लिख देंगे, राइट, और यहाँ पर हम पॉपुलेशंस लिख देंगे, राइट। अब हमने यहाँ पर जून से सन का दिखाना है वो सन मेंशन कर देंगे और जितनी उस सन की पॉपुलेशंस है वो पॉपुलेशंस को हम टाइप कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर, राइट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सन की भी 2000 जैसे 2019 की लिख देंगे, राइट। किसी भी स्टेट्स के हम लिख सकते हैं, जिस स्टेट की हमें दिखानी हो। नेक्स्ट हम जैसे हम 2018, 2019 और 2020 की शो करना चाहते हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ, यहाँ नेट से भी इसको इमेज ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक टेबल को तैयार किया है, राइट। अब इस टेबल्स को थोड़ा सा हम साइज को इंक्रीज कर देते हैं अपने हिसाब से जैसे हमें चाहिए। ये देखिए, जिस जितने हमें साइज चाहिए उस हिसाब से हमने टेबल को एडजस्ट कर दिया है, राइट। अब हम इसको सिलेक्ट करके टेबल्स को सेंटर्स कर देंगे यहाँ। इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक हम अभी इस टेबल्स का क्या बनाना है, एक चार्ट्स बनाना है, राइट। क्योंकि हम मैथ का बना रहे हैं तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके एक न्यू स्लाइड्स ले लेते हैं, हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड्स किया है, ठीक है। अब डुप्लीकेट स्लाइड्स में हमें क्या चाहिए, चार्ट चाहिए, तो मैंने इसको पहले डिलीट कर दिया टेबल्स को, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, चार्ट्स। तो हम इंसर्ट में जाके चार्ट फंक्शंस यूज करेंगे, राइट। जैसे हमें कॉलम चार्ट्स लेना है तो कॉलम चार्ट्स लेंगे, अगर लाइन की ज़रूरत है लाइन, पाई, जो सी भी हमें चार्ट की रिक्वायरमेंट है वो चार्ट्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी मैंने कॉलम चार्ट्स को सिलेक्ट किया है, ओके। जो टेबल हमने वहाँ बनाई थी उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। जो भी टेबल्स हमने वहाँ पर बनाई थी मैंने कॉपी कर लिया था उस टेबल्स को और यहाँ पर हमने उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जो हमारे एक्स्ट्रा हो गए उसको रिमूव कर देंगे। इस तरीके से आपने देखा, ये देखिए, ये हमारी टेबल्स बन गई है। इसी टेबल्स के हिसाब से हमारा ये चार्ट्स बन गया है। ये हमारा पाई कॉलम चार्ट्स था। अगर हमें पाई चार्ट्स बनाना है तब हम यहाँ से चेंज चार्ट टाइप्स कर सकते हैं। यहाँ से हम पाई चार्ट्स ले लेंगे। ये देखिए, हम यहाँ से पाई को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, हमारा पाई चार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई में भी 3D बनाना है तो पाई चार्ट्स है ये, यहाँ से हम 3D ले लेंगे
और ओके कर देंगे। ये देखिए 3D के यहाँ बहुत सारे डिजाइन्स आ गए हैं, जैसा डिजाइन हम लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा हमने कॉलम चार्ट्स कैसे बनाया, पाई चार्ट कैसे बनाया, राइट। इसी और बनाने के बाद हम इस चार्ट्स को एनिमेशन से इफेक्ट्स भी दे सकते हैं कि हमें कैसा इफेक्ट हमारा चार्ट किस तरीके से शो हो, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कॉलम चार्ट्स बनाया है, जिससे भी आपको बताया था। कॉलम चार्ट्स के बाद मैंने 3D चार्ट्स बनाया है, ये 3D पाई चार्ट्स। नेक्स्ट हमने लाइन चार्ट्स बनाया है। इस तरीके से हमने एक प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। यहाँ हम स्लाइड का मिनीचर्स देख सकते हैं, स्लाइड शो फंक्शन शॉर्टर फंक्शंस की मदद से। अब इसमें मेरी दो स्लाइड्स एक्स्ट्रा होगी, इनको मैं रिमूव कर दे रही हूँ सिलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ से मैं कट कर देंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारी प्रेजेंटेशंस थी। अब हम इसको फुल स्क्रीन में शो कर रहे हैं, यहाँ स्लाइड शो फंक्शन की मदद से हम शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी प्रेजेंटेशंस है, अरुणाचल प्रदेश की हेडिंग्स सबसे पहले, राइट, दो स्लाइड्स इमेज। नेक्स्ट हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी इमेजेस लगाई हैं 3, और में एनिमेशंस के इफेक्ट दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा मैसेज। नेक्स्ट हमने इसकी पॉपुलेशन शो करी है अरुणाचल प्रदेश की। इसके बाद हमने चार्ट्स का यूज़ किया। चार्ट्स का यूज करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए, तो इसके लिए हमने एक टेबल इंसर्ट करी है और टेबल्स को इसमें फिल किया है पॉपुलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमने चार्ट्स बनाया है, पहले कॉलम चार्ट्स बनाया है उसी टेबल्स का। इसके लिए हमने चार्ट फंक्शंस का यूज किया है। नेक्स्ट हमने इसके बाद पाई चार्ट्स बनाया है, ठीक है। पाई चार्ट्स के बाद हमने जो बनाया है लाइन चार्ट्स बनाया है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हमने मैथ का एक छोटा सा प्रोजेक्ट्स बनाया। फिर देखिए चार्ट्स हमने इसमें यूज किए, लाइन चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स और पाई चार्ट्स, चार्ट फंक्शंस की मदद से। ये चार्ट्स हम एक्सेल में भी बना सकते हैं और पावर पॉइंट में भी। इस तरीके से हमने छोटी सी एक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट्स तैयार किया अरुणाचल प्रदेश स्टेट के ऊपर। इसको आप अपने मोबाइल्स में WPS ऑफिस सॉफ्टवेयर की मदद से भी बना सकते हो, और कंप्यूटर में हम जब बनाते हैं तो इसको हम पावर पॉइंट में बनाया हमने इसे। अब मोबाइल में आप बना रहे हो तो WPS ऑफिस सॉफ्टवेयर या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट में इस प्रोजेक्ट को आप तैयार कर सकते हो। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।